आज सुबह हंदवाड़ा पुलिस ने 21 आरआर, 30 आरआर और 92 बटालियन सीआरपीएफ के साथ ग्राम गुन चोगल में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में इनपुट के बाद एक तलाशी अभियान चलाया। इस धरपकड़ में हंदवाड़ा पुलिस ने 4 आतंकवादी और 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इन आतंकवादियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। उनके कब्जे से 3 AK-47, 8 AK-47 की मैगजीन, 332 AK राउंड, 12 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 6 पिस्टल मैगजीन्स, 24 पिस्टल राउंड, लेट आउटफिट का लेटर पैड बरामद किया गया। बता दें कि पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि सभी व्यक्ति आतंकवादी संगठन लश्कर के साथ काम कर रहे थे और इलाके के युवाओं को उग्रवाद में शामिल होने के लिए हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहे थे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने कुछ युवाओं को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराई पैक, जो हाल ही में आतंकवादी रैंकों में शामिल हो गए। इस संदर्भ में हंदवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।